नमस्कार साथियों, आज हम लोग जातिगत जनगणना के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर से इस बात पर गौर करेंगे कि क्या राज्य जातिगत जनगणना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये विषय आजकल बहुत ही विचाराधीन है और हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो आइए इस पर कुछ मोटे मोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। पहले समझते हैं कि जनगणना क्या होती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न समझते हैं कि जनगणना करने की शक्ति हमारा संविधान और कानून देता किसे है। तीसरा प्रश्न ये समझते हैं कि हमारे यहाँ जातियों की जनगणना को लेकर जो विवाद चल रहा है या जो मांग चल रही है उसका क्या कोई छोटा सा इतिहास है, उसको भी देखते हैं। चौथी चीज़ ये देखते हैं कि जनगणना में जातियों की जनगणना की मांग क्यों उठ रही है। पांचवी चीज़ ये देखते हैं कि क्या राज्यों को जनगणना का और ख़ासतौर से जातीय जनगणना का कोई अधिकार है। और इन कुछ प्रश्नों पे और जो 2011 में एक सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसकी क्या स्थिति है, क्या उसमें जातियों की जनगणना हुई थी, हुई तो उसके आंकड़ों का क्या हुआ, इन तमाम प्रश्नों पे आज विचार करते हैं। और कोशिश मैं यही करूंगा कि इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोगों को प्राप्त हो जाए जिससे कि आगे आने वाले समय में इस पर चर्चाओं में हम लोग सार्थक रूप से भाग ले सकें। पहली चीज़ तो सेंसस को समझते हैं कि जनगणना वास्तव में पूरे देश में कितने लोग निवास करते हैं उनकी एक एक टोटा मोटा मोटा और बिल्कुल एक एग्जैक्ट आकलन सरकार के पास होना बहुत ज़रूरी है। उसी से जनसंख्या का पता चलता है कि हमारे देश में कितने नागरिक, कितने लोग, कितने गैर नागरिक निवास करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जनगणना का महत्व तो इसलिए बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जनगणना में आपको ये समझना है कि जनगणना दो प्रकार की होती है, एक नॉन सिंक्रोनस जनगणना और एक सिंक्रोनस जनगणना। जो नॉन सिंक्रोनस जनगणना होती है, जो हमारे देश में शुरुआत हुई, जब हमारे देश में शुरुआत हुई जनगणना की, तो वास्तव में वो जनगणना नॉन सिंक्रोनस थी। अर्थात 1865 में जब जनगणना की शुरुआत हुई तो 1865 से लेके और 1871 तक जो जनगणना हुई या 72 तक जो जनगणना हुई, वो नॉन सिंक्रोनस थी। नॉन सिंक्रोनस का मतलब ये हुआ कि उस ज़माने में ब्रिटिश शासन था और कुछ देशी रियासतें थी, कुछ जो है ब्रिटिश डायरेक्टली जहाँ पे शासन करते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, तो हर जगह कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल होता था। तो जब जहाँ जैसा संभव हुआ 2-3 साल में जनगणना पूरे देश में हुई, इसको नॉन सिंक्रोनस जनगणना कहते हैं। दूसरी जो जनगणना हमारे यहाँ शुरू हुई, जिसको कि हम जानते हैं कि 1881 से सिंक्रोनस जनगणना शुरू हुई, तो ये 1881 से 1881 से जो जनगणना शुरू हुई ये सिंक्रोनस जनगणना है। अर्थात ये पूरे देश में एक ही महीने में एक साथ होती है, ये इसकी खासियत होती है। कोशिश की जाती है कि एक ही दिन अधिक से अधिक इस पर कवरेज हो सके, तो इसको हम सिंक्रोनस जनगणना कहते हैं। तो दो चीज़ याद रखिएगा, नॉन सिंक्रोनस से शुरुआत हुई और 1881 से हम सिंक्रोनस जनगणना पे हैं और तब से यही चल रहा है। अगर आप ऋग्वेद और अर्थशास्त्र को भी उठा के देखें तो वहाँ भी जनगणना के रेफरेंसेस मिलते हैं और टैक्स कलेक्शन के लिए टैक्स ऑफिशियल्स के द्वारा जनगणनाएं की जाती थी और देखा जाता था कि कौन लोग टैक्स देने के काबिल हैं। मुगल्स ने काफ़ी रिकॉर्ड मेंटेन किया और क्योंकि जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे उनका इंटरेस्ट जनगणना में इसलिए होता था कि उनको टैक्स कलेक्शन में ही जानना होता था कि इसके माली हालत कैसी है। तो मुगल्स ने अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया, प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन किया, पॉपुलेशन का मेंटेन किया, फेमीन कहाँ हुई ये सब रिकॉर्ड वो मेंटेन करते थे। ब्रिटिश ने जब सेंसस शुरू किया तो ब्रिटिश में ब्रिटेन में ये भारत में जब ब्रिटिश शासन में सेंसस शुरू हुआ 1865 में, तो उनका कोई बहुत और चीज़ों पे ध्यान नहीं था बल्कि कुछ अल्टीरियर मोटिव्स थे। और वो अल्टीरियर मोटिव जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, आज उस पर जाने का वक्त नहीं है, लेकिन टैक्स कलेक्शन के साथ साथ वो हमारे देश की डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा अध्ययन करना चाहते थे क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी होती थी और उनको ये बड़ा मज़ा आता था किस तरीके से कोई, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। तो जनगणना में उन्होंने इतनी के आधार पे और यूरोप पता चला कि उन्होंने एंग्लो इंडियंस तो क्रिश्चियंस तो एफ्रो एशियंस तो बहुत सारे कैटेगरीज उन्होंने बनाए जिसमें कि वो जनगणनाएं किया करते थे। तो ये जनगणना का एक प्रकार से मोटा मोटा हम लोगों को रैशनल है कि हर सरकार को, हर देश को, हर राष्ट्र को, हर राज्य को ये जानने का अधिकार है, सॉवरेन स्टेट को, कि उसके यहाँ पॉपुलेशन की स्थिति क्या है, नंबर एक। दूसरी चीज़ कि भारत में
1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो जनगणना की पावर किसको दी गई? आप जानते हैं कि हमारा देश एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को जब एक्सेप्ट करते हैं हम, तो उसमें दो प्रकार के सरकारों की व्यवस्था होती है, केंद्रीय सरकार और एक प्रांतीय सरकार। अर्थात हमें शक्तियों का विभाजन करना पड़ता है, जो राज्य की शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार और राज्य के बीच में विभाजित होती हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान में सातवीं अनुसूची है, सेवन शेड्यूल है, जिसमें कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसमें केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है, और जो अवशेष शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं। तो अगर आप केंद्रीय सूची का अध्ययन करेंगे, तो केंद्रीय सूची में जो एंट्री नंबर 69 है, 69 एंट्री में केवल एक शब्द लिखा हुआ है सेंसस, और वो पूरा का पूरा केंद्र को अधिकार दिया गया है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंसस से संबंधित, जनगणना से संबंधित राज्यों को किसी प्रकार का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। पहली चीज़ तो हमें ध्यान में रखना है। और इसी के तहत हमारे जो पार्लियामेंट है, अर्थात हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसने कि 1947 से लेके और 1952 जब तक हमारी एक नई संसद नहीं चुन गई विधिवत, तब तक वो एक हमारी सॉवरेन पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही, सुप्रीम पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही। और उसने 1948 में एक सेंसस एक्ट बनाया, और उस सेंसस एक्ट में उसने बहुत सारे प्रावधान किए कि किस तरह से सेंसस होगा, और उस सेंसस में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल किस तरह से प्रोसीजरल चीज़ें होंगी, और तमाम प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसने सेंसस रूल बनाने की भी इजाज़त दी। और हमारे यहाँ सेंसस रूल 1990 में जाके बने हैं, उसके पहले सेंसस रूल ही नहीं थे कोई, उसी से हमारा काम किसी तरह से चल रहा था। लेकिन उसने सेंसस कमिश्नर को ये अधिकार दिए, हमारे जो हमारा कानून बना और जो हमारे रूल्स बने, कि सेंसस कमिश्नर जिस डेटा को चाहे रिलीज़ करे, जिसको चाहे विदहोल्ड करे, और राज्य की मशीनरी को जिस तरीके से वो सेंसस कलेक्शन के लिए यूज़ करना चाहता है वो करे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंट्री नंबर 69 और सेंसस एक्ट और सेंसस रूल 1990 हमारे देश में है, इसको हमें जानना चाहिए, अगर कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। तीसरी ये है कि जब जातियों की जनगणना की बात आती है, तो क्या हमारे यहाँ कोई हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस है? इसको देखते हैं कि जिसको मैंने नॉन सिंक्रोनस जनगणना कहा, 1865 से लेके 1872 तक, उसमें तो कोई जातियों की जनगणना का मुद्दा पता है नहीं कि वो हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 1881 से जो हमारी सिंक्रोनस जनगणना हुई, उस सिंक्रोनस जनगणना में जातियों की जनगणना भारत में हुई, हर प्रकार की जातियों की जनगणना हुई, और उसमें अपर कास्ट की जनगणना हुई, ओबीसी की जनगणना हुई, दलितों की हुई, एसटीज की हुई, हर प्रकार के जनगणना हुई। और उस उन जनगणनाओं में हर कास्ट में ये देखा गया कि उसमें धार्मिक जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये उन्होंने अपने 1881 से जनगणना जो शुरू हुई उसमें, और अब तक आप जानते हैं कि 15 सेंसस हो चुके हैं, हर 10 साल पे ये डेसिनियल एक्सरसाइज है, 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं, और जो इस वर्ष होनी है 2021 में जो जनगणना होती है वो 16वीं जनगणना अपने देश में होगी। और जो प्रथम 6 सेंसस हुए हैं, अर्थात 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931, ये जो प्रथम 6 गणनाएं हुई हैं, इसमें जातियों की जनगणना हुई। लेकिन जो जातियों की जनगणना उस समय सेंसस कमिश्नर जो थे मिस्टर हटन, उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया और ये कहा कि भाई इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कास्ट, सब कास्ट, उनके गोत्र और उनका क्लासिफिकेशन, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं, और इसको न काउंट किया जाए और जाति जनगणना को बंद कर दिया जाए। तो उनके इस सुझाव के आधार पे बाद में कालांतर में हम देखते हैं कि इसको बंद भी कर दिया गया, 1941 से बंद कर दिया गया। और उस समय अगर हम देखें तो 1901 में, अर्थात 20वीं शताब्दी की जैसे शुरुआत हुई, तो शताब्दी की शुरुआत में जनगणना 1901 की जो जनगणना है उसमें भारत में जातियों की संख्या 1646 थी, अर्थात 1646 जातियों की का रिकॉर्ड हमारे सेंसस में दिया गया है। और फिर 1931 में जो जनगणना हुई वो बढ़ के 4147 हो गया, अर्थात बहुत ज़्यादा जातियों कि या तो काउंट अच्छा हुआ होगा या जो भी बात हुई हो, जातियों की संख्या 1931 में काफ़ी बढ़ गई। और ये इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो कि अक्सर विवाद का भी विषय होता है, कि क्या क्रिश्चियनिटी में और क्या इस्लाम में जातियां होती हैं कि नहीं होती हैं, तो आपको जान के तैजुब होगा कि 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें
500 जातियां मुस्लिम्स ने रिकॉर्ड करवाई कि हमारी ये जाति है, और 300 जातियां क्रिश्चियंस ने रिकॉर्ड करवाई कि ये हमारी जाति है। और इंटरेस्टिंग ये है कि 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें क्रिश्चियन से और मुस्लिम से जो जाति उन्होंने बताई उसको स्वीकार कर लिया गया, जबकि किसी हिंदू की क्या जाति थी ये जनगणना करने वाले को अधिकार दिया गया था कि उसकी हिंदू की जाति को आप इस्टेब्लिश करें। तो ये अपने बहुत इंटरेस्टिंग है कि 1931 में जो जाति जनगणना हमको प्राप्त हुई थी मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की, वो जनगणना वालों ने उसको नहीं लिखा था, स्वयं जिनकी जनगणना हुई मुस्लिम्स ने बताया कि हमारी 500 जातियां हैं, क्रिश्चियंस ने बताया कि हमारी 300 जातियां हैं। इसलिए जब कोई ये कहता है कि मुस्लिम्स में जातियां नहीं होती, क्रिश्चियंस में जातियां नहीं होती हैं, तो ये आंकड़े उसको डिस्प्रूव करते हैं। इसीलिए आपके पास जब भी कोई आप बात करें तो बहुत ठोस प्रमाण होना चाहिए कि हाँ भाई मुस्लिम्स में भी जातियां होती हैं, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम्स में सारे तो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं यहाँ पे, तो या तो अपर कास्ट से कन्वर्ट हुए हैं अशरफ मुस्लिम्स, या OBC से कन्वर्ट हुए हैं अजलाफ मुस्लिम्स, या दलित से कन्वर्ट हुए हैं अरजाल मुस्लिम्स। तो हमारे यहाँ भी जो जाति जिस जाति में ट्रांजिशन हुआ है वो अपनी जातियों की रूट्स को भूल थोड़ी सकता है, वो तो याद ही रखता है। लेकिन 1931 के बाद बहरहाल इसको स्टॉप कर दिया गया। हाँ, एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे है इंडिया में, उसने 1990 में एक कोशिश किया था जातियों को देखने की कि कुछ बढ़े या घटे, तो उसने बताया कि अब बढ़ के जातियों की संख्या 4635 हो गई है, 4635। तो इस प्रकार से जातियों की संख्या बराबर 1901 से बढ़ती रही है। हाँ, अब ये जरूर है कि ये बंद क्यों किया गया, इसके लिए यही था कि इसके रिकॉर्ड करने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी और बहुत सारा वर्गीकरण जो इसमें करना पड़ता था जातियों का, उपजातियों का, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती थी कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और उसमें इतनी विविधताएँ हैं कि कोई जाति एक राज्य में किसी एक कैटेगरी ऑफ कास्ट में आती थी। मान लीजिए कोई कास्ट जो है OBC में है उत्तर प्रदेश में, हो सकता है पंजाब में जाके दलित कास्ट में आ जाए, कोई दलित कास्ट है वो हो सकता है कि OBC में आ जाए, कोई OBC है हो सकता है जनरल में आ जाए। तो बहुत सारे वेरिएशंस थे और इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और इसका बनाना बहुत कंबरसम भी है। तो ये तीसरा प्रश्न की हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस। चौथी चीज़ के राज्य क्यों मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जातियों की जनगणना होनी चाहिए, या राज्य क्यों मांग करते हैं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए। राज्यों को बेसिकली एक तो अपने यहाँ जो सोशल वेलफेयर मेजर्स वो करते हैं उसमें एक पॉलिसी के रूप में अगर उनको पता हो कि भाई जातियाँ हमारे राज्य में कितनी हैं, तो शायद उनको उन जातियों के बारे में कोई नीतियाँ निर्धारण करने में सहूलियत मिल सकती है। और बहुत सारे राज्य ऐसा करते रहे हैं, अगर आप राज्यों के आंकड़े उठा के देखेंगे, साउथ के राज्य हैं, दक्षिणी भारत के बहुत सारे राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इवन बिहार है, या और भी महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या बैकवर्ड क्लास कमीशन्स हैं उन्होंने अपने स्तर पे जातियों की जानकारी का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने किया है अपने स्तर पे जानकारी का प्रयास, लेकिन ये है कि वो एक अनौपचारिक चीज़ आप उसको कह सकते हैं कि सरकारें अपने स्तर पर या कमीशन के कहने के स्तर पर उसको आकलन करती रहती हैं, लेकिन उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। और प्रामाणिकता इसीलिए नहीं है कि राज्यों को संविधान कोई भी इस प्रकार की जनगणना का अधिकार देता ही नहीं है। आज ये जरूर है कि बहुत सारे राज्य ये सोचते हैं कि अगर उनके यहाँ किसी जाति वर्ग का प्राधान्य हो या जाति वर्ग का उनका बाहुल्य हो, तो हो सकता है कि उनके लिए और ज़्यादा आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जैसे कि तमिलनाडु में की गई है कि वो 50% के कैप को, जो इंदिरा सानी का निर्णय था, वो निर्णय जो है मंडल जो हम लोग केस के रूप में जानते हैं, तो उसमें जो 50% सुप्रीम कोर्ट ने कैप रखा था, बहुत सारे कुछ राज्यों में उस 50% कैप को आगे जाके, हालांकि अभी वो विचाराधीन है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी चल रहा है वो चीज़ें, न्यायालय के विचाराधीन है। तो क्या राज्य कास्ट सेंसस कर सकते हैं? ये आज की तारीख में, आज की जो तारीख है वो आप जानते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज आप समझें कि 9 अगस्त है आज, और 9 अगस्त 2021 के दिन में सरकार के सामने ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। क्यों ज्वलंत प्रश्न है? कि इसका अगर आंसर आज की तारीख में पूछा जाए कि क्या राज्यों को जातीय गणना करने का कोई अधिकार है, तो इसका सीधा साधा उत्तर है नहीं, उनको कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए ऐसा है कि 2021 में, अभी मई में, 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार की जातिगत जनगणना करने का या OBC की जनगणना करने का
अधिकार निरस्त कर दिया, ये बताया कि राज्यों को ऐसी जनगणना का कोई अधिकार नहीं। और उसका कारण सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो संशोधन जो संशोधन हुआ है संविधान में, 102वां संशोधन, 102nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, आर्टिकल 342A, आप पढ़िएगा उसको, आर्टिकल 342A में ये साफ साफ लिखा है कि राज्यों के लिए भी और संघ के लिए भी केवल और केवल राष्ट्रपति ही ओबीसी लिस्ट को ड्रॉ कर सकता है। अर्थात 2018 के पहले राज्य जो करते रहे हैं सो करते रहे हैं, लेकिन अब संविधान के 102nd अमेंडमेंट के बाद किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है, क्योंकि देर इज ए प्रोविजन कॉल्ड आर्टिकल 342A विच कम्प्लीटली यू नो गिव्स मोनोपोली ऑफ राइट्स ओवर सेंसस, वेदर इट इज नॉर्मल सेंसस और कास्ट सेंसस, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट। तो आज की तारीख में संवैधानिक स्थिति ये है और सुप्रीम कोर्ट की भी उस पर मोहर लगी हुई है। तो दोनों स्थितियों में आज कोई भी राज्य सेंसस करने की पोजीशन पे नहीं है, न संविधान के अनुकूल, न सेंसस एक्ट के अनुकूल और न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुकूल। और इसीलिए इस ये चूंकि बड़ा अजीब सा मुद्दा है, एक अजीब सा प्रतिबंध है, इसलिए मोदी सरकार संविधान में पुनः एक संशोधन लाना चाहती है। संभवतः वो आर्टिकल 342A में कोई प्रावधान और जोड़ के राज्यों को कम से कम इतना अधिकार देना चाहती है कि राज्यों को कम से कम अपने यहाँ जातियों का और सबका नहीं तो कम से कम ओबीसी का गणना करने का अधिकार प्राप्त हो। और संसद का ये मानसून सेशन चल रहा है और ख़त्म ही होने वाला है एक हफ्ते में, अगर इसमें ये बिल पास हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ, और तब संवैधानिक स्थिति वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेंसस, वेदर इट इज अ कास्ट सेंसस और एनी काइंड ऑफ ए सेंसस। हाँ, 2021 में केंद्र सरकार ने स्वयं एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया था, लेकिन उसका डेटा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने उस समय थी, लेकिन उन्होंने प्रकाशित नहीं किया, और जो अभी की वर्तमान मोदी सरकार है वो भी उस डेटा को प्रकाशित नहीं करना चाहती। क्या उसके पीछे कारण है ये वही सरकारें जाने, क्योंकि उन्होंने इसके कारण भी नहीं बताए हैं। उन्होंने ये बताया है भी वर्तमान जो सरकार है मोदी सरकार, उसने 20 जुलाई को, अभी जो सत्र चल रहा है मानसून का, उसमें 20 जुलाई को संसद में ये बताया कि साहब जो हमारी 2021 की सेंसस होगी उसमें कोई भी नीतिगत परिवर्तन नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को किसी प्रकार का जाति गणना करने का भी अधिकार नहीं होगा, और हम जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना करते रहे हैं, और क्यों करते रहे हैं, क्योंकि एक उसका संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता ये है कि संविधान हमारा कहता है कि जिस अनुपात में देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आरक्षण का जो इशू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, तो वो तो जब तक उनकी जनगणना और जनसंख्या का प्रतिशत नहीं पता चलेगा तब तक उनके आरक्षण का निर्धारण ही नहीं हो सकता है, तो वो एक सर्वोच्च न्यायालय, वो एक संविधान का वायलेशन हो जाएगा। तो उस मैंडेट को पालन करने के लिए एससी और एसटी के तो काउंटिंग होती है, लेकिन अन्य किसी जातियों के लिए इस प्रकार का प्रावधान न होने से वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। और इसीलिए ये संकट सारा का सारा इसीलिए है कि अगर ये बात एससी और एसटी के लिए हो सकती है तो ओबीसी की जनगणना अगर हुई तो ओबीसी की तरफ से भी ये मांग आ सकती है कि भाई क्यों ना हमको भी हमारी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की प्रावधान किया जाए। और इसीलिए सरकार ने एक रोहिणी कमीशन का गठन किया हुआ है जिसने कि जिसको कि क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन ऑफ अमंग ओबीसी करने का अधिकार दिया गया है कि भाई आप बताइए कि ओबीसी का जो बहुत बड़ा वर्ग है जो 1931 की सेंसस में 52% ओबीसीज लिस्ट किए गए थे कि 52% ओबीस थी 1931 की जनसंख्या में, तो अगर कहीं ओबीसी की संख्या या पॉपुलेशन उसी अनुपात में आती है 2021 की जनगणना में तो किस तरीके से आगे काम होगा, क्या ऐसे ही दे दिया जाए
जाएगा 27% आरक्षण, या उसमें जो बहुत सारे राज्यों ने सब कैटेगराइजेशन किया है, कर्नाटक ने, केरल ने, तमिलनाडु ने, है ना, और महाराष्ट्र ने, बहुत सारे राज्यों ने सब कैटेगरी, ओडिशा ने सब कैटेगराइजेशन किया है, उसी प्रकार का राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई सब कैटेगराइजेशन होगा। और रोनी कमीशन से विचार कर रही है कि देर आर फोर कैटेगरी इन टू विच द ओबीसीज विल बी डिवाइडेड एंड 27% वुड बी स्प्रेड ओवर और डिवाइडेड अमंग देम, एलोकेटेड अमंग देम इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन। तो ये सारा का सारा मसला अपने आप में बहुत ही रुचिकर है, बड़ा संवेदनशील भी है, और इसलिए हम लोगों को इस पर अपनी नज़र बनाए रखनी है कि आगे क्या होता है, संसद क्या इस विधेयक को पास करती है, क्योंकि इसके राजनीतिक मैसेजेस भी हैं, इसका राजनीतिक पहलू भी है, जो भी इसका विरोध करेगा वो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के विरोध का भागीदार भी हो सकता है, इसलिए विरोधी पार्टियां भी हो सकता है इसमें मोदी सरकार को विरोध न कर सके, मोदी सरकार के साथ ही चली जाएं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि ये विधेयक पास भी हो जाए और वर्तमान सदन में ही पास होगा, लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी वेट करना पड़ेगा। आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा और देखिए क्या होता है। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में राज्यों को जातिगत जनगणना करने का कोई अधिकार नहीं है, अगर संसद संविधान में संशोधन कर देती है तब जरूर उनको जातीय जनगणना का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।